दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पार्ट टू वीडियो सीरीज में आपको स्वागत है, जो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। पार्ट वन वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे विजिट करें और वहाँ पे जीएस और जीके प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन वीडियो में हम लोग देखे थे कुछ रासायनिक यौगिक, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ कार्बनिक यौगिक जिसका व्यापारिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिर का, जिसका रासायनिक नाम है एसिडिटी अम्ल का तनु विलयन, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCH3COOH। डाइमिथेल इथर, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3OCH3। सोडियम मेथॉक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CH3ONA। दोस्तों आप रासायनिक सूत्र हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में रासायनिक सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद है फिनॉल, जिसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्सी विनेनी, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H5OH। उसके बाद है एल्कोहल, जिसका रासायनिक नाम है इथाइल एल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। वुड स्प्रिट, जिसका रासायनिक नाम है मिथाइल एल्कोहल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3OH। मंड, जिसका रासायनिक नाम है स्टॉच, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O5। अंगूर का रस, इसको रासायनिक नाम ग्लूकोज से बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। उसके बाद है यूरिया, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइट, इसका रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। क्लोरोफॉर्मा, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र है CHCl3। आयोडोफॉर्मा, जिसका रासायनिक नाम है ट्राईओडोनोन मिथेल, इसका रासायनिक सूत्र है CHL3। माल्टोज, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H22O11। ग्लूकोज, फक्टोज, सुक्रोज, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। स्टार्च, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्कोज का होता है। उसके बाद कुछ केमिस्ट्री का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो को रासायनिक यौगिक है और कभी कभी उसको बनाने की विधि से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से आप नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रट्टा मार के आप कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कब क्या क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मार के करने की कोशिश नहीं कीजिए। उसके बाद जो यौगिक है वो है कपड़े धोने का सोडा, जिसका पहले पार्ट वन वीडियो में हम लोग बता दिए हैं, उसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, जिसको बनाने की विधि में साल्वे अमोनियम विधि इसको बोल से द्वारा इसको बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कपड़े धोने का सोडा कौन सा विधि से बनाया जाता है। खाने का सोडा जो होता है वो NaHCO3 है, वो भी सेम साल्वे अमोनिया विधि, जिसको अमोनिया सोडा प्रक्रम करते हैं, उसी के विधि से बनाया जाता है। विरंजक चून, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl3, जिसको हासन क्लेवर संयंत्र द्वारा बनाया जाता है। चूना पत्थर CaCO3, चूना CaO, जिसको चूना भट्टी में बनाया जाता है। बुझा चूना CaOH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, जिसमें बनाया जाता है, जिसका CaSO4.2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो वाटर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके पहले वाटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है रोल ये रसायन विज्ञान में। जल जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार है,
पीसीरो से नो लाइफ विदाउट एयर एंड वाटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग जीवन में यूज करते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल का जो परसेंटेज है वो 75% है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है, 70% है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1781 हेनरी कैवेंडिश ने प्रयोग द्वारा बताया कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक यौगिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ये किसने बताया और कब बताया। तो हेनरी कैवेंडिश ने बताया जो 1781 में बताया है, जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आत्मात्मक अनुपात 2:1 होता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखते हैं। तो ये फार्मूला आपको पूछ नहीं एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा, बट आपको जो वाटर का क्या होता है फार्मूला वो पूछ सकता है, 2H2 होता है, इसका अनुपात कितना होता है 2:1, जिसमें हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 1:2 होता है। कुछ देखते हैं जल के गुण। जल के गुण, शुद्ध एवं रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन द्रव है। जल का हिमांक 0% सेल्सियस है। जल का क्वथांक 100 डिग्री सेल्सियस है। मंच 100 डिग्री सेल्सियस, जीरो से जब ये 100 डिग्री पर पहुंचता है तो ये जल क्या होता है, उबलने लगता है, वाटर उबलने लगता है, गर्म होने लगता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 है, पीएच मान 7 है। मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि पीएच मान होता क्या है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पारावैद्युत स्थिरांक कितना है, इसका 80 है। जूल शुद्ध जल विद्युत एवं ऊष्मा का कुचलक होता है, इसमें विद्युत अपघटन मिलने से यह सुचालक हो जाता है। जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव एंड गैस, जो तीनों अवस्था में जल मिलता है। जल सर्वोत्तम विलायक होता है, मीन्स को ये हमेशा घुल जाता है। उसके बाद देखते हैं कपड़े धोने का सोडा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रासायनिक है, जिसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे भी आने की संभावना है। तो जो बनाने का विधि है वो हम आपको पहले बता दिए कि साल्वे अमोनियम विधि से बनाया जाता है। इसके गुण क्या क्या हैं, पारदर्शक, क्रिस्टलीय, ठोस, क्षारीय, जल में विलय, जल में विलयन। तो एग्जामिनेशन में आ सकता है कि कार्बन कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा, वो का नीचे का एक गुण है। आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो जो ऑप्शन में पारदर्शक ये चारों ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक कर लेंगे। उसके बाद है उपयोग। उपयोग जो होता है वो कांच, साबुन, कास्टिक सोडा, पेपर वर्क, बॉक्स बनाने में, धुलाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, प्रयोगशाला में भी अभिकर्मक के रूप में कपड़े धोने का सोडा का यूज किया जाता है। उसके बाद सोडा का एक अगला ही रूप है जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। जो बनाने की विधि आपको सेम साल्वे अमोनियम विधि से बनाया जाता है, जिसका गुण है श्वेत क्रिस्टल, क्षारीय, जल में अल्प विलय, जल विलयन। और इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में, पति अजनों के रूप में, बेकरी उद्योग में, केक तथा ब्रेड बनाने में और अगली सामान संतरों में। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम में बनाया जाता है, जिसको CaSO4.2HO2 जिसको जिप्सम बोलते हैं, उसके बाद जो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका गुण होता है श्वेत चूर्ण, जल के साथ मिश्रित करने पर पुनः जिस्म में बदल जाता है, मीन जल के साथ जब वापस ये डाला जाता है पेरिस ऑफ प्लास्टर, तो वापस ये अपने पुराने अवस्था में आ जाता है। उपयोग जो होता है कि जैसे कि कोई किसी का हड्डी टूट जाता है, तो वहाँ पे आप जो वेंडेज किया होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया होता है। मूर्तियों तक खिलौना बनाने में, सांचे मॉडल बनाने में, चाक बनाने में, जिस्म बनाने में, तो ये बेसिक इसका उपयोग है। उसके बाद है साल्वे अमोनिया प्रक्रम, अमोनियम साठ प्रक्रम, प्रयुक्त कच्चे उत्पाद एवं उत्पाद। कच्चे उत्पाद क्या है, NaCl, NH3, CO3, जिसका उत्पाद खाने का सोडा बनाने में होता है, धोने का सोडा बनाने में होता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि साल्वे अमोनियम प्रक्रम का उपयोग कहाँ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं चूना भट्टी, जो कि लास्ट टॉपिक है आज इस वीडियो का। तो इसका जो चूना भट्टी का जो होता है कि चूना निर्माण विधि कैसे होता है, चूना भट्टी बनाया जाता है। तो प्रयुक्त कच्चे पदार्थ उत्पाद चूना पत्थर होता है, जिसका रासायनिक नाम CaCO3 है, और उत्पाद क्या होता है CO चूना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि CaCO3 जब 1000 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है चूना पत्थर,
तो चूना बनता है, जिसका चूना अलग हो जाता है, CO2 अलग होता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैं और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।